जय बाबा दी। तीसरा दिन सुबह का समय। अभी हैं हम इलाका गॉट में 3350 मीटर की ऊंचाई पर। धौलाधार पर्वत श्रृंखला पूरे हिमालय में निकटतम हिमरेखा क्षेत्र है। यहाँ मैदानी इलाकों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। डलहौजी से बड़ा बंगाल रिज तक धौलाधार में 3500 मीटर से 5000 मीटर की औसत ऊंचाई पर 35 से अधिक अच्छी तरह से पहचाने गए पासेस हैं। इंद्रहार पास इन्हीं में से एक है। ये पासेस रावी वैली और मिडल हिमालय तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। पहाड़ों में रहना कठिन होता है। अधिक ऊंचाई पर हवा पतली होती है, जिसका अर्थ है इसमें ऑक्सीजन की कमी और इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए बिगिनर्स से मेरी यही सलाह है कि जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, सभी चरणों का पालन करें ताकि वे उच्च ऊंचाई की पतली हवा से ठीक से अभ्यस्त हो सके। तो गाइस आज हमारा डे 3 है। अभी हम क्लाइम करें इंद्रहार पास ना, तो यहाँ से अभी लगेंगे वन साइड 5 घंटे। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे नागडल के लिए ना। तो अभी एक ही पेस में चलना है, धीरे धीरे और साथ में चलना सभी ने। और ऐसा है अभी थोड़ा वेदर का भी इशू है, तो ज़्यादा गैप नहीं बनाना आना, साथ साथ चलेंगे सारे। तो अभी मतलब यहाँ से मान के चलो 5 घंटे का रन है हमारा, मतलब इंद्रहार पास तक। उसके बाद नीचे डिसेंडिंग करेंगे हम नागडल के लिए। अभी धीरे धीरे बढ़ता रहना सभी ने साथ साथ। अभी मिलते हैं हम ऊपर आपको। थैंक यू। यो मैन, हम भी चलते हैं, हमारा बैग रेडी, बैकपैक इज रेडी मैन। कुछ भाई जो हैं बाद में आएंगे, यो मैन कुछ रेडी हो रहे हैं अभी। यो आज का सफ़र शुरू होता है। अभी हम बढ़ रहे हैं इलाका गॉट से इलाका ग्लेशियर, लाहेश केव होते हुए इंद्रहार पास। ये ट्रैक रॉक फेस के ऊपर से गुजरता है। ज़्यादातर जगहों पर बहुत खड़ी चढ़ाई है और यहाँ का पल पल बदलता मौसम ट्रैकर्स की आवाजाही में बाधा डालता है। अप्रैल से जून के महीने के दौरान यहाँ कठोर और फिसलन वाली बर्फ की सतह के कारण चढ़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन होती है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना बेहद ज़रूरी है। मॉनसून और पतझड़ के महीने में ट्रैक बर्फ से मुक्त होता है, इसलिए स्थिति जोखिम भरी नहीं होती। इलाका गॉट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आती है लाहेश केव। लाहेश केव की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर है। लाहेश केव एक प्राकृतिक चट्टानी गुफा है जिसमें करीब 8 से 10 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। केव में बैठकर ही प्रवेश करना पड़ता है क्योंकि ये इतनी ऊंची नहीं है कि अंदर खड़े होकर प्रवेश किया जा सके। पर्वतारोही और अनुभवी ट्रैकर्स धर्मशाला से एक दिन में लाहेश केव तक पहुंच जाते हैं। इलाका गॉट और लाहेश केव बेस कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। रात में यहाँ का तापमान 0 तक पहुँच जाता है। ये है लाहेश केव। रास्ते में एक चट्टान के ऊपर भीम और सौरभागाई के पैरों के निशान भी हैं। हेलो, हाय बोल दो सारे। मासुराम धौलाधार अपनी उच्च ऊंचाई वाली ग्लेशियर झीलों के लिए विशेष उल्लेख के योग्य हैं, जिनकी पौराणिक पृष्ठभूमि है और ये झीलें स्थानीय निवासियों द्वारा अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। स्थानीय निवासी मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद के मौसम में इन पवित्र झीलों की तीर्थ यात्रा करते हैं। इन झीलों को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ये झीलें स्वर्ग की भव्यता के बीच स्थित हैं और इन झीलों में सबसे प्रमुख लमडल और नागडल हैं। इंद्रहार पास के करीब पहुंचते ही हेलस्टोम ने हमारा स्वागत किया। एकदम से मौसम खराब होना, ओलावृष्टि, सर्द हवाएं और बर्फीले तूफान इस ट्रैक में आम हैं। ये तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अभी हम पहुंच गए हैं इंद्रहार पास। इंद्रहार पास समुद्र तल से लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंद्रहार पास कांगड़ा और चंबा वैलीज दोनों का एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करता है और मिडल और ग्रेटर हिमालयाज के दूर के दृश्य प्रस्तुत करता है। जय माता दी। स्थानीय भाषा में पास को ज्योत कहा जाता है और ज्योत में ज्योताश्नी माता यानी ज्योत की देवी की पूजा की जाती है और इंद्रहार पास में ज्योताश्नी माता के साथ शिव भक्तों द्वारा बारिश के देवता इंद्रदेव को भी यहाँ पूजा जाता है और त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। इंद्रहार पास से हम जा रहे हैं सुख दली की ओर। रास्ता खतरनाक है, खड़ी उतराई है। इस खड़ी उतराई को मरन पौड़ी के नाम से जाना जाता है। हर महादेव शिव शंभू। अभी हम पहुंचे हैं सुखडली। सुखडली में एक केव है जहां हम बारिश से बचने के लिए रुके। यहां पहुंचने के कुछ देर बाद बारिश थम गई। बारिश थमने के बाद यहां का नजारा कुछ इस तरह का है। तेज बारिश और तूफान के कारण हम सभी भीग गए और अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब है। आगे जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस 7 लेक ट्रैक को यहीं कैंसिल करके हम बढ़ रहे हैं चाटा पड़ाव की ओर। चाटा पड़ाव के लिए ये ट्रैक नीचे की ओर जाता है जहां एक छोटी प्राकृतिक गुफा है। आज रात हम वहीं बिताएंगे। लाहेश केव से चाटा पड़ाव की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। रास्ता लंबा है और हमें जल्दी से जल्दी चाटा पड़ाव पहुंचना है। पहाड़ों में दिन जल्दी ढल जाता है, इसलिए हमें रुकना नहीं है, चलते रहना होगा। रात हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं चाटा पड़ाव। चाटा समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, भाई लोग आग जला रहे हैं। ये है चाटा पड़ाव की केव। यहाँ भाई डिनर की तैयारी कर रहे हैं। मनु भाई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। और अब हम आग सेकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।